वेलकम टू आवर चैनल आर एन टेक। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने में डिस्कस कर रहा हूँ कंसेप्ट थ्रू गेट क्वेश्चन, कंसेप्ट थ्रू गेट क्वेश्चन। चलिए इसका हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे क्या कौन सा चैप्टर, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ट्रांसलेशन और रोटेशन। और इसमें हम आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे, छः क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर बोर्ड पे अभी दिख रहा है। इस छः क्वेश्चन को मैं आपको प्रयास करूँगा मिनिमम समय में सोल्व करके आपको दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये स्टोन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोलिए, ये स्टोन ऑफ मास एम इज एम एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज वायर्ड इन ए वर्टिकल सर्किल इन ए कॉन्स्टेंट स्पीड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम व्हेन द स्टोन इज। मतलब बोलिए एक वर्टिकल सर्किल पे एक स्टोन के बाल के हम लोग मान लीजिए, अभी एक पोजिशन यहाँ मान लिए, पोजिशन यहाँ, तो हमको टेंशन पूछ रहा है कि मैक्सिमम कहाँ पर। ऐसा बताइए यहाँ पर अगर बॉडी है तो यहाँ पर क्या लगेगा, एम जी नीचे की ओर, दूसरा फोर्स एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीपिटल सेंटर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगता है, एम एम ओमेगा स्क्वायर आर, या इसी को हम एम बी स्क्वायर बाई आर भी बोलते हैं, इधर लगेगा। दूसरी बात टेंशन अंदर की ओर लगेगा, अगर यही देखिए अगर इस टेंशन को टी वन बोल देते हैं तो टी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। अच्छा यहाँ पे बॉडी है तो इधर बाहर क्यों लगेगा, क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर रेडियस इस बॉडी का। अच्छा तो टेंशन किधर लगेगा, इधर, और एम जी किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में चेक की ओर, क्योंकि एम जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है। तो यहाँ पे अगर इसको टी टू बोल देते हैं तो टी टू प्लस एम जी इजकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, अगर यहाँ से टी टू निकाले तो कितना जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। अच्छा आपको यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे एम जी में ऐड हो रहा है कोई भी चीज़, और यहाँ से एम बी स्क्वायर माइनस एम जी में ये घट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से टी वन बड़ा होगा टी टू से, मतलब बॉटम पोजीशन पे टेंशन मैक्सिमम होगा। अच्छा कितना विद्यार्थी पूछेगा, क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि बॉटम कहाँ पर मैक्सिमम होगा टेंशन, सॉरी कहाँ पर मैक्सिमम होगा टेंशन, बॉटम पोजिशन पर या टॉप पोजिशन पर। तो बॉटम पोजिशन पर इसका आंसर नंबर होगा क्या, एट द बॉटम ऑफ द सर्किल डी, एट द बॉटम मैक्सिमम टेंशन क्या होगा, बॉटम ऑफ द सर्किल। अच्छा एक बच्चा पूछेगा बॉडी सर यहाँ पर रहेगा तो टेंशन कितना होगा, अच्छा यहाँ पर रहेगा तो एम जी इधर की ओर लगेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर इधर लगेगा और टेंशन इधर लगेगा, यहाँ पर टेंशन किसके बराबर होगा तो एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बॉडी रहेगा तो फिर वही कहानी, इधर क्या लगेगा टेंशन, इधर का टेंशन टी थ्री मान लीजिए, ये टी फोर मान लीजिए, तो यहाँ पर टी फोर, टी थ्री का वैल्यू अगर निकालेगा तो ये कितना लगेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर बाहर की ओर लगेगा और एम जी तो डाउनवर्ड लगेगा, यही तीन फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सब जगह देखेगा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होंगे और मिनिमम वैल्यू इस जगह पे आएंगे, ठीक है, टेंशन का। और यहाँ पे देखिए टेंशन का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे अगर वर्टिकल सर्कल पे टेंशन निकालना होगा तो यही कंसेप्ट है। ये गेट में एक बार पूछा गया था, कितने मार्क्स में है, एक मार्क्स में पूछा गया था। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी एन सी डी आपको फिगर में दिख रहा होगा, ए बी एन सी डी आर द टू यूनिफॉर्म एंड द आइडेंटिकल बार्स, दो को बार्स है, आइडेंटिकल बार है। देखिए अरेंजमेंट कैसे किया है, यहाँ पे हिंज किया गया है और ये हिंज से ये एक वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल बार है, इसी से एक बार इस तरह से अटैच किया गया है, ठीक है। बोल रहा है कि ये अभी एंगल बना रहा है वर्टिकल से 30 डिग्री, कितना बना रहा है 30 डिग्री, बोलता है ये फ्रिक्शन लेस है, यहाँ भी फ्रिक्शन लेस है, दोनों जगह हिंज है, आइडेंटिकल है, मास सब कुछ दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। तो बोल रहा है कि अगर ये मूव करके पोजिशन यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, ये स्ट्रिंग यहाँ पर आ जाएगा, तो अगर इसको हम लोग इस तरह से बना दें और ये इधर बनेगा
तो फिर भी यहाँ पे एंगल जो होगा वर्टिकल से वो 30 ही रहेगा। तो पूछ रहा है कि अगर इस पोजीशन पे आ जाएगा तो टेंशन कितना कितना डिग्री एंगल होगा, तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए एक मिनट। और ये आसान है भाई, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर दोनों का एंगल डिस्टर्बेंस नहीं होंगे। ठीक है, जिस एंगल जो एंगल वर्टिकल के साथ यहाँ है, वही एंगल वर्टिकल के साथ यहाँ पर अगर इसको यहाँ से रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए तो। ठीक है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स में था, दिमाग लगाने वाला लगाते रहेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलिए। थर्ड नंबर, ए कार मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर 450 मीटर इन 5 सेकेंड। अच्छा, S5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 450 मीटर। ठीक, T1 यहाँ पे S5 मतलब 5 सेकेंड लगा। ठीक, दूसरा क्या है, एंड कवर नेक्स्ट 5 सेकेंड इंटरवल एंड कवर 700 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट 5 सेकेंड मतलब अभी 5 सेकेंड, अगला 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा डिस्टेंस। तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो किया गया है, ये 400 प्लस कितना 700 बोला है, ये डिस्टेंस। ठीक है, कवर इतना। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, हमको एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि कितना होगा, व्हाट। क्वेश्चन समझ में आ रहा, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखा, ये लिख दिया। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड है, हम लोग पहले एक मेथड देखते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड देखते हैं। अच्छा, पहला मेथड क्या देखिएगा बताइए, कि हम लोग यहाँ से s बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, अगर s5 बोला है, मतलब t की जगह पर कितना लिखेंगे, 5, तो 5u, क्योंकि t की जगह पर 5 पुट कीजिए, हाफ इंटू ए इंटू 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, S5 का वैल्यू 5u प्लस हाफ 50। तो यहाँ पे 50 से हाफ से भाग देंगे, सॉरी 25/2 इंटू ए। अच्छा, S10 का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब t की जगह पर 10 पुट कीजिए, तो 10u प्लस हाफ ए इंटू 10 का स्क्वायर। S10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10u प्लस 5। अच्छा, ये इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 मानिए, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, S5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। S10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से निकालेगा तो 150 मीटर में दिया हुआ, तो मीटर में रख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों दे दिया है, S1 और S10। तो यहाँ से पुट कीजिए, S10 का वैल्यू कितना है, 115 = 10u प्लस 500 100/250 होगा, सॉरी 50a। सम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे पुट कीजिए, S5 का वैल्यू कितना है, 450 = 5u प्लस 12.5a। अब देखिए, दो इक्वेशन, दो अननोन, ए और यू, यहाँ से ए भी निकल जाएगा, यू भी निकल जाएगा, यू तो पूछा हुआ भी नहीं था, तो हम लोग हमको सिर्फ ए का आंसर यहाँ से निकालिएगा। अगर इसका ए आंसर निकालिएगा तो आएगा 10 m/s² ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा दोनों का, 10 m/s² आंसर नंबर इसका डी हो जाएंगे। देखिए, ये आसान क्वेश्चन है, मैं इसको अब सॉल्व नहीं करूँगा, वाई, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर दिया हूँ। अब ये इक्वेशन भाई, ये इक्वेशन सॉल्व करना तो आसान है ना, गेट का एग्जाम दीजिएगा, ये सॉल्व करने ना, दैट इज द बहुत अति है, तो इसका ही आएगा, एक मेथड तो ये हो गया, समझ में आ गया। ए का वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगा, और यू का वैल्यू कितना आएगा, मैं यू का भी वैल्यू बता देता हूँ आपको, यहाँ से यू का वैल्यू भी आपका आ जाएगा 65 m/s, यू जो आएगा 65 m/s, सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, निकल गया दोनों को सॉल्व करके। एक मेथड तो ये हो गया क्वेश्चन, दूसरा मेथड इसको कैसे बना सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, क्या क्या दिया हुआ था पढ़ दिया, क्वेश्चन आपको देखा है, बना दिए। दूसरा मेथड हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं बताइए, भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी, ऐसे भी माइनस यू इज्कल टू क्या हो गया, ए टी। ठीक है, अच्छा मान लिए कि हम लेट मान लिए कि 5 सेकेंड में भी बराबर यू प्लस कितना बताइए। अच्छा सॉरी, ये तो हो गया भी बराबर यूपेसिटी, हम लोग एक ही क्वेश्चन और जानते हैं, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एस फाइव में रख दीजिएगा, एस फाइव यहाँ से 5 सेकेंड में निकाल दीजिएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से पुट कीजिए। दूसरी बात, एस टेन, तो एस टेन बराबर कितना हो जाएगा, एस टेन में हम यहाँ पे भी मान लेते हैं, भी माइनस टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब देखिए एस टेन में जो इनिशियल वेलोसिटी इसको वी मान लिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लिए वी, और फाइव सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी की मान लिए यू मान लिए, क्या मान लिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ से देखिए इसका वैल्यू हमको दिया हुआ, एस फाइव का वैल्यू कितना दिया था 450 मीटर से दिया था, एस टेन का वैल्यू कितना हुआ था 1150 मीटर आया था, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब हमको निकालना है एस इक्वेशन, इसको टू मानिए, इसको मान लीजिए थ्री मान लीजिए, टू माइनस थ्री कीजिए तो कितना होगा एस टेन माइनस एस फाइव इजकल टू, यहाँ से दोनों से घटाइए कितना होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे वी माइनस यू इंटू टी बच गया और ये तो कट गया, ठीक है एस फाइव दोनों सब्ट्रैक्शन कीजिए कितना होगा तो 700 आएगा इजकल टू वी माइनस यू का वैल्यू कितना है 80, तो 80 इंटू टी, देखिए कितना आसान हो गया ए का वैल्यू निकालना, ये 700 इंटू ए का वैल्यू निकालना है इंटू टी, टी इंटू टी क्या होगा टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ था 10 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 10, तो यहाँ से ए का वैल्यू सॉरी टी का वैल्यू, हाँ टी हमको अलग अलग दिया हुआ था ना यहाँ पे टी वन टी टू माना हुआ, चलिए ठीक है टी, तो यहाँ से अगर आपको ए का वैल्यू कैलकुलेट किया तो यहाँ से डायरेक्टली ए निकल जाएगा, क्या निकल जाएंगे ए निकल जाएंगे, जो कि और आसान रूप से बन सकते हैं क्वेश्चन को, तो दोनों अप्रोच से बना सकते हैं, दोनों अप्रोच से मैं बता दिया हूँ, कोई भी आसान है किसी तरह से बनना चाहिए क्वेश्चन, बस मकसद ये होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 7 4 11 700 बी माइनस यू का वैल्यू हो गया 80, 80 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से टी का वैल्यू पुट कीजिए ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है आसान हो गया। अब हम लोग आप वैल्यू को टोटल जर्नी में कितना 10 सेकेंड था तो ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कितना आएगा, सॉरी टी 55 सेकेंड, यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे आप एक गलत कर सकते हैं कि 700 इजकल टू आ गया था कितना ए इंटू टी इंटू टी, ये पहला सेकेंड के लिए पहला टी कितना था 5 इंटू 5 रखना है, ठीक है ना 5 इंटू 5 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, 5 टाइम मतलब एक डिस्टेंस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर रखेगा 25 होगा, यहाँ पे 700 था, यहाँ से ए का वैल्यू आपको निकल जाएगा 10, डिवाइड कर लीजिएगा, आसान है क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर रहे हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है, फोर्थ नंबर सॉरी, एज शो इन द फिगर ए पर्सन ए इज द स्टैंडिंग एट, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ए सर्कुलर, यहाँ पे देख लीजिए इस बार रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना होता है, वी बी माइनस वी ए होता है, वी बी माइनस वी ए होता है, बस इतना कंसेप्ट अगर याद आया तो आपको निकल जाएगा। उसके बाद वी बराबर है ओमेगा आर, अगर आर जीरो हो जाएगा तो वी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है ये दो कंसेप्ट लगाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, देखिए कितना आसान क्वेश्चन, देखिए क्या बोलता है ये कंसेप्ट हुआ एक तरह से। अब हम देखो क्वेश्चन फिगर में दिख रहा है कि एक यहाँ पे पर्सन है और एक यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक ना, तो बोल रहा है क्या ये इधर की ओर जा रहा है, कितना मीटर पर सेकंड से जा रहा है भाई 8 मीटर पर सेकंड से, दूसरा यहाँ पे बॉडी है, अच्छा इसका एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 1 रेडियन पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिख रहा होगा इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे इसका एंगुलर वेलोसिटी, अगर ये ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट ये बी है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, अच्छा इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना होगा वी बराबर ओमेगा आर, ओमेगा का तो वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा सेंटर पे आर का वैल्यू जीरो, आर का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो यहाँ पे वी का वैल्यू जीरो आ गया, अच्छा एक का वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे अगर हमको वी बी रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, सॉरी ये वी बी रिस्पेक्ट टू ए तो वी बी माइनस वी ए होगा, तो वी बी का वैल्यू कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, अब वी ए का वैल्यू कितना हो गया इस डायरेक्शन में तो जीरो, तो कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड किधर जा रहा है ईस्ट की ओर, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया सी नंबर, 8 मीटर सेकेंड हेडिंग ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही आसान था, खाली ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आर का वैल्यू जीरो होगा तो भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इसका है लेकिन लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे जीरो, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी इसका दिया हुआ निकाल दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा सर कि ये गलत हो रहा है यहाँ पे हमको बताइए सर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वहाँ पे अच्छे से फिर डिटेक्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, ए रिजिड बॉडी शो इन द फिगर हैज ए मास ऑफ 10 kg रोटेट विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है देखिए कुछ नहीं करना है, फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, हिंज किया हुआ है, यहाँ पे हिंज किया हुआ है और इससे एक रॉड लगा दिए हैं, इस पे यहाँ पे एक मास है 10 kg, कितना है
अच्छा बताइए, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कितना होगा, आई बराबर एम आर स्क्वायर। तो एम 10 के थी, आर का वैल्यू कितना है, दोनों के बीच का रिस्टेंस 200 mm है। तो 200 mm को डिवाइड कीजिए 200 by 1000, तो 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ से आई का इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट निकल चुका है, एम आर स्क्वायर होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये याद रखिएगा, क्योंकि ये यूज भी करेंगे हम फिर आगे जाके, एम आर स्क्वायर। तो कितना होगा, एम का वैल्यू 10 इंटू कितना होगा, 0.2 गुना 0.2, तो 0.04 आ गया। इसको गुना की जगह कितना आएगा, जितना भी आ जाए 0.4 आ गया, कितना आ गया। अच्छा दूसरी बात, दूसरा सिस्टम बी में देखिए, फिगर में दिया हुआ है, इसी के ऊपर में तो ये तो है 10 kg का, इसके नीचे में लगा दिया 20 kg का, कितना लगा दिया। अच्छा इसी अबाउट हमको निकालना, ये हिंज ही है मानो, तो इसी के अबाउट अगर हमको मोमेंट निकालना है, तो इसका I1 इसका I2 दोनों को जोड़ दीजिए, तो फाइनल मोमेंट कितना होगा, मोमेंट मास मोमेंट फाइनल कितना होगा, तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। m1 का वैल्यू ऊपर वाला ले लीजिए, तो 10 kg इंटू r का वैल्यू कितना होगा, 0.2 का स्क्वायर प्लस m2 का इसका वैल्यू 20 kg। इसका r का वैल्यू देख लीजिए, r दिया हुआ नीचे की ओर, 100 mm दिया हुआ है, 0.01 का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों निकल गया, ये इनिशियल मोमेंट था, इनिशियल मास मोमेंट, ये क्या था, इनिशियल मास मोमेंट था, और ये फाइनल मास मोमेंट हो गया। तो हमको बोलता है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल रख दीजिए इंटू 100 कर दीजिए अगर परसेंटेज में निकालना है तो, और इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर दीजिए। फाइनल यहाँ से देखिए सब वैल्यू रख चुके हैं, इनिशियल वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.4 प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए, हम इसका आंसर बता देते हैं कितना परसेंटेज आएगा, जो कि मैं बना के रखा हूँ। इसका मोमेंट, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चेंज होकर आ रहा है, वो हो रहा है आपका 50%, कितना हो जाएगा 50%, चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा 50%। अरे भाई मेरे कुछ नहीं, बस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्म लगाना है, एम आर स्क्वायर, ये सिस्टम का ये आर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये आर का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें ऊपर में आर तक ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 निकाले, यहाँ पे I2 निकाले, तो ये इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है, ये 200 mm दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है, ये भी 100 mm में दिया हुआ, 200 mm में दिया हुआ था, इनिशियल ये था, बाद में इतना ऐड किया गया मास, तो कहता है परसेंटेज कितना हो गया, मास मोमेंट का कितना चेंज हुआ, परसेंटेज में निकालना था, तो फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल 200 कर दीजिए, परसेंटेज चेंज मास मोमेंट, फाइनल का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके 0.4 कितना निकाल चुके 0.4 इसके यहाँ से निकाल देता ये आएगा 0.2, दोनों की जगह 0.6 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखिए 0.6 माने 0.4 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 50% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50% इसका आ जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा 50%, जो कि ऑप्शन आपको दिया हुआ है कितने में, आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका, आगे मतलब इसमें 3 वीडियो आएंगे, मैक्सिमम 3 वीडियो में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन अगर लंबा हो जाएगा तो बच्चा वो भी नहीं देखते हैं, इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन भी कंप्रेस होना चाहिए, क्वेश्चन भी समाप्त होना चाहिए, ये हम माइंड में रख के चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक क्या है क्वेश्चन नंबर, पढ़िए, ए टाइम वेरिएशन ऑफ पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए रेक्टिलिनियर मोशन इज गिवेन बाय, अच्छा पोजिशन दिया हुआ है एक्स बराबर दिया हुआ है, पोजीशन जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना वो दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चा है 10वां का बच्चा बना देगा ये, एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 2t 2t³ प्लस t² प्लस 2t, ये देख लीजिए आपको दिख रहा होगा इज भी, अतः हमको वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है स्टार्टिंग में, जब मोशन स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग करने का मतलब t = 0। अच्छा हम लोग जानते हैं dx/dt करता है तो क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो यहाँ से निकालिए dx/dt, देखिए इसको एक्स टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना होगा, ये पावर डिफ्रेंशिएशन जान रहे होंगे, तो 2 × 3 × t² प्लस 2t + 2, ये मेरा वेलोसिटी निकल गया, तो वेलोसिटी कितना निकल गया 6t² प्लस 2t + 2। अच्छा वेलोसिटी स्टार्टिंग का निकालना है मतलब t = 0 पुट कर दिए, तो वेलोसिटी स्टार्टिंग का मोशन जब स्टार्ट करेगा तो t = 0 पे कितना आ जाएगा 2, और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, एक ऑप्शन मिला लेना है। दूसरी बात एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन a बराबर क्या होता है dv/dt होता है, मतलब ये डी ए भी है मेरा t के फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो ये 6t² तो कितना होगा
ट्वेल्व टी प्लस टू, टू इंटू टी का वन, इसका कांस्टेंट का जीरो डिफरेंशिएशन, तो एक्सेलरेशन। अच्छा स्टार्टिंग के एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो स्टार्टिंग के एक्सेलरेशन ए टी इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ट्वेल्व इंटू जीरो प्लस टू, कितना आ गया, टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो आपको मिलना चाहिए वो डी मिलना चाहिए, क्योंकि भी बराबर भी दो मीटर पर सेकेंड आ गया, यूनिट्स में पूछ रहा है, मतलब यूनिट नहीं लिखा हुआ है, और ए इक्वल टू भी टू आएगा। यह कि 2005 का क्वेश्चन है, एक मार्क्स में है, दसवां का बच्चा भी बना लेंगे, जो 11, 12 में अगर डिफरेंशिएशन थोड़ा मोड़ा जानते हैं वो बना लेंगे, दसवां का बच्चा नहीं बना पाएंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं दसवें में। तो ये आपका इस वीडियो में हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व किए, कंसेप्ट बताए जो कि बहुत ही आसान था। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में 3 वीडियो मात्र रहेंगे, 3 में सारा क्वेश्चन, 22-23 क्वेश्चन है, सारे मैं सॉल्व कर दूंगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी फायदा होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।